गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 13। क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 13, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था पर्यायवाची शब्द। क्या नेम था चैप्टर 13 का? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अर्थ में लगभग एक समान शब्द, अर्थ में लगभग एक समान शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, जिनका अर्थ क्या होता है? एक समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको क्या करना है? पहले आपको पहले चैप्टर 13 को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है। क्या करना है? चैप्टर 13 को अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। एक समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम, कालवाची। एक समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समानार्थी शब्दों का अन्य नाम है। तो यहाँ पे क्या लिखा? समानार्थी, पर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? पर्यायवाची। क्या लिखना चाहिए था? पर्यायवाची। यहाँ पे क्या आएगा? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों का अन्य नाम है। पर्यायवाची शब्दों का अन्य नाम है विपरीतार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या ये दोनों। तो क्या है पर्यायवाची शब्दों का अन्य नाम? समानार्थी शब्द। क्या है? समानार्थी शब्द। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेल कीजिए। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची क्या होते हैं? कुसुमे, प्रसुने, फूल। कुसुमे, प्रसुने, फूल। जल, जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीर, तोय, अम्बू। जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीर, तोय, अम्बू। राजा, राजा के पर्यायवाची क्या होते हैं? नृप, भूपति, नरेश। क्या होते हैं? नृप, भूपति, नरेश। आज, आज के पर्यायवाची क्या होते हैं? पावक, पावक, अग्नि, हुताशन। पावक, अग्नि, हुताशन। समुंदर, समुंदर के पर्यायवाची क्या होते हैं? सागर, रत्नाकर, सिंधु। सागर, रत्नाकर, सिंधु। समुंदर के पर्यायवाची क्या होते हैं? सागर, रत्नाकर, सिंधु। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखने हैं? तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहले किसका लिखना है? पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सेल, शेल, पहाड़, पहाड़, नग। सेल, पहाड़, नग। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? सूरज, सूरज, रवि, दिनकर। सूरज, रवि, दिनकर। पर्वत के क्या होते हैं? सेल, पहाड़, नग। सूर्य के? सूरज, रवि, दिनकर।
सूरज रवि दिनकर पर्वत के सेल पहाड़ नग। तो ये क्या है, चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर है। क्या है, चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। पहले क्या करोगे, जो चैप्टर 13 है उनको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। क्या करोगे, चैप्टर 13 को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे, और फिर क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।